औद्योगिक नगरी पिथमपुर में बड़े धूमधाम से छठ पूजा का महापर्व मनाया गया है। छठ माता की पूजा अर्चना करने हजारों श्रद्धालु पिथमपुर पहुंचे हैं। संजय जलाशय तालाब के किनारे पूजा अर्चना की। वही छठ पूजा में स्थानीय जनप्रतिनिधि और नगर के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। गौरतलब है कि पिथमपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय लोग निवास करते हैं, जिसके चलते यहाँ स्थित संजय तालाबों पर नगरीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा आदि को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए। वही तालाब के किनारे लाइटिंग टेंट पनडुब्बी गोताखोरों का दल लगातार सक्रिय रहकर तालाब में निगाह रखे था। वही पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है जो पूरे चार दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर महापर्व का समापन होता है। अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, लंबी उम्र के लिए, सब स्वास्थ्य के लिए पूजा किया जाता है। विधियाँ होती है कि जैसे कि आप फल फ्रूट ठेकुआ बनता है हमारे इधर, खास्टा बनता है, चढ़ा जाता है सूरज भगवान को सुबह भी शाम को भी, गन्ने से कभी पूजा हुआ जाता है, और जो कलसुप का भी हम लोग लाते हैं उसमें पूजा करते हैं, उनसे अर्घ दिया जाता है। कितने दिन का पर्व होता है ये? तो चार दिन का पर्व होता है। पहला होता है नहाए खाए, जो आप लौकी की सब्जी चने की दाल के साथ खाते हैं। फिर दूसरा होता है रोटी और खीर, और तीसरे दिन होता है जो पूरा निर्जला भैया 36 घंटे का व्रत रहता है। आपका नाम बताएं? जी, मेरा नाम आज महाछठ का पर्व है, और यूपी बिहार और मध्य प्रदेश के सारे लोगों ने आकर यहाँ छठ पूजा की है। सूर्य भगवान को अग्र दिया है, और इन सभी पब्लिक को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना एवं बधाई। नगरपालिका की तरफ से क्या क्या सुविधा दी गई? नगरपालिका की तरफ से यहाँ पर रोड पे बिजली पानी की व्यवस्था करवाई है, पीने के लिए बिजली की लाइट के लिए व्यवस्था करवाई है, और देखो वो देखो नाव चल रही है, जो पब्लिक की सेफ्टी के लिए एक नाव भी लगवाई गई है यहाँ, जो पब्लिक की सेफ्टी करेगी। तालाब के यहाँ नेट भी बिछवाई गई है, नेट नेट यहाँ पर नेट बिछवाया रोड पे, जो पब्लिक को कुछ नंगे पैर जो भाइयाँ आती हैं उनको कोई तकलीफ नहीं हो, इसलिए। जी सर, ये छठ पूजा का महापर्व है, क्या पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहेगी और यातायात को लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था? भीड़ काफ़ी हो जाती है यहाँ पर, उत्तर भारतीय जो है भारी मात्रा में निवास करते हैं। हाँ, ये छठ का जो महापर्व है यहाँ पे अच्छे बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता है, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ तालाब पर पूजन करने के लिए आते हैं। प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था की जा रही है, पुलिस का अरेंजमेंट भी रहेगा सभी घाटों पर, रोशनी की और गोताखोरों की, साथ ही ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए भी पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। हाईवे जो क्रॉस करते हैं वहाँ पे भी बैरिकेडिंग की जाके पुलिस व्यवस्था लगाई जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा सब शांतिपूर्ण तरीके से और सुरक्षित तरीके से पर्व का मनाया जाए। आपका नाम? अमित मिश्रा, CSP।